हेलो फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस के लिए मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जीके लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और ये सारा रिपीटेड क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस रिपीट होते रहता है और ये स्पेशल एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए है, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पहला विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर है सन्यासियों के द्वारा। याद रखना है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो पहला विद्रोह किया था वो किसने किया था, सन्यासियों ने किया था, इसलिए सन्यासियों के द्वारा जो है विद्रोह शुरू किया गया था। उसके बाद है, ये जो सन्यासी विद्रोह है इसका उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है। तो याद रखना है कि आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने आनंद मठ लिखा है उनके उपन्यास में जो है ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि आनंद मठ की रचना किसने की है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ये आपको याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने। याद रखना है दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। उसके बाद है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो याद रखना है 1887 ईस्वी में कहाँ पर, इंग्लैंड में जो है भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार का रुख किस वर्ष से कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया, तो 1887 ईस्वी से। ठीक है, याद रखना है ब्रिटिश सरकार का रुख जो है किस वर्ष से कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया, 1887 ईस्वी से। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये किसने कहा था, लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन का ये कथन है कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यह किसका कथन है, तो ये लॉर्ड कर्जन का कथन है। इनका कथन क्या है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यह किसका कथन है, तो अरविंद घोष का। अरविंद घोष का कथन है कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। उसके बाद है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह बयान किसने दिया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह बयान दिया था कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विकास का सिद्धांत, यह प्रतिपादन किसने दिया था, तो याद रखना है ये दिया था तीन लोगों ने, दादाभाई नौरोजी, दत्त ने, एम वाचा ने। आप ये नाम तो याद रखना है कि दादाभाई नौरोजी को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि धन विकास का सिद्धांत किसने दिया, दादाभाई नौरोजी, लेकिन दो लोग भी थे इनके साथ, दत्त एम वाचा, इनका भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे, तो याद रखना कि दादा भाई नौरोजी थे, वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन की घोषणा कब और किसने की, तो याद रखना है 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, तो डेट भी याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, 20 जुलाई 1905 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध में किस आंदोलन की घोषणा की गई थी, तो स्वदेशी आंदोलन। अगर पूछा जाए स्वदेशी आंदोलन क्यों चलाया गया था, तो बंगाल विभाजन के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहाँ हुई, तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मुगल काल यानी कि बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, मुगल किसके वंश से संबंधित थे, तो याद रखना तुर्की के चुगताई वंश से जो थे मुगल संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखना समरकंद। समरकंद जो थी वो बाबर के वंशजों की राजधानी थी। उसके बाद है कि बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया, तो याद रखना 1504 में। 1504 में जो है बाबर ने काबुल पर कब्जा किया था। नेक्स्ट है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की, तो जस्ट 3 साल बाद यानी कि 1507 में जो है बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मुगल वंश की नींव किसने रखी थी, तो किसने रखी थी, बाबर ने। उसके बाद देखिए, मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था, तो कहाँ का शासक था, फरगना का। उसके बाद है कि बाबर का पूरा नाम क्या था, तो जहीरुद्दीन बाबर। ये सारा VVI क्वेश्चन से एग्जाम में ये सब रिपीट होते रहता है, तो बाबर का पूरा नाम याद रखना है, जहीरुद्दीन बाबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो याद रखना है 24 फरवरी 1483 ईस्वी को कहाँ पे, फरगना में इनका जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। उसके बाद है कि बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था, तो बाबर ने पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था, यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध जो किया था, कब, 1519 में। ये बाबर का पहला आक्रमण था भारत के खिलाफ, यूसुफ जाई के विरुद्ध। उसके बाद है भारत का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है, तो 1526 में। 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें बाबर का जो है प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के पिता का नाम क्या था, तो उमर शेख मिर्जा जो था बाबर के पिता का नाम था। नेक्स्ट है, कुतलुग निगार खानम किसकी माता का नाम था, तो ये बाबर की माता का नाम था, कुतलुग निगार खानम। चलो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो पता है आप सबको, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। नेक्स्ट है, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी, यानी कि पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी, तो किस वंश की नींव रखी थी, मुगल वंश की। उसके बाद है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा के और बाबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, बाबर और मेदनरी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था बाबर और मेदनी राय के बीच। उसके बाद है, घाघरा का युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था, तो घाघरा का युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया था, और ये कौन थे, इब्राहिम लोदी का ही भाई था। चलिए नेक्स्ट है कि बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो तुर्की भाषा में याद रखना है, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना है, बाबर की जो आत्मकथा है उसे तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है, यही सब बाबर नामा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध में बाबर ने तोप खाने का इस्तेमाल किया था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध में किया था तोप खाने का इस्तेमाल। उसके बाद है, बाबर ने युद्ध की कौन सी नीति अपनाई थी, तो तुलु गमा नीति जो है अपनाई थी बाबर ने युद्ध में। उसके बाद है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे, तो तोपची थे। ठीक है, ये दोनों जो थे तोप चलाते थे, जिन्हें तोपची कहा जाता था, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के अलावा कौन से मुगल शासक के मकबरे भारत से बाहर बने हैं, तो जहांगीर और बहादुर शाह जफर, इन दोनों के जो मकबरे हैं वो भारत से बाहर बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदारता के कारण बाबर को और किस नाम से जाना जाता है, तो कलंदर के नाम से जो है बाबर को जाना जाता है उदारता के कारण। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत में फसल के सबसे बड़े उत्पादक, और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो पश्चिम बंगाल। याद रखना है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या होता है, धान होता है। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाए गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक, तो गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद याद रखना है, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक, गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। मूँगफली का सबसे बड़ा उत्पादक, तो मूँगफली सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। चलिए नेक्स्ट है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा जाए भारत में, तो कर्नाटक में होता है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल। उसी तरह भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, आंध्र प्रदेश। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। केले का सबसे बड़ा उत्पादक तो तमिलनाडु में है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक जम्मू एंड कश्मीर। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक तो महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक केरल, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ है गुजरात, उसके बाद बांस का सबसे बड़ा उत्पादक असम में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो जेम्स हिक्की ने। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, जेम्स हिक्की ने। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही पोस्ट ऑफिस लिखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में 1947 ईस्वी के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था, तो अरुणा आसफ अली ने। क्या लग रहा है भारतीय राजनीति में 1947 के बाद सबसे ज़्यादा किस महिला ने योगदान दिया, तो अरुणा आसफ अली ने। उसके बाद है तत्कालीन उड़ीसा किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था, 1936 में। याद रखना है कि जो उड़ीसा है वो बिहार से किस वर्ष से अलग हुआ था, 1936 में। सैंडलर आयोग का संबंध किससे है, शिक्षा से। याद रखना है सैंडलर आयोग का संबंध किससे, शिक्षा से। नेक्स्ट, नागरिकों की सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली कब आरंभ हुई, तो 1853 में। 1853 में याद रखना है नागरिकों की सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली आरंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। उसके बाद है कि भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो कलकत्ता में। उसके बाद है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट, भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए किसका योगदान सर्वाधिक है, तो सर सैयद अहमद खान का। ये सारा वीवीआई क्वेश्चन से इसको याद रखना है, एग्जाम में रिपीट होते रहता है। गोल्डन थ्रेस होल्ड नामक कविता संग्रह किसकी रचना है, तो सरोजनी नायडू। याद रखना गोल्डन थ्रेस होल्ड नामक कविता का संग्रह जो है ये सरोजनी नायडू की रचना है। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बना, तो ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट है ये किसका आधार बना, भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट है कांग्रेस नेताओं में कौन सा नेता कैबिनेट मिशन योजना के पूर्ण रूप से पक्ष में था, तो सरदार पटेल। अगर पूछा जाए कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में कौन कांग्रेसी नेता था, तो सरदार पटेल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके MTS एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटेन के सभी नियमों में सबसे कम समय में कौन सा नियम चला, तो 1919 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था ये सबसे कम समय तक चला था। ठीक है, बहुत सारे एक्ट आए थे तो सबसे कम समय तक कौन चला था, 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र आरम्भ किया। आर महिला सभा किसने की थी, तो पंडित रमाबाई ने आर महिला सभा की थी। उसके बाद है वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की, तो 1917 में सदाशिव अय्यर ने। याद रखना है वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में हुआ, किसने की, सदाशिव अय्यर ने। नेक्स्ट है सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किसने की, तो लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने सर्वप्रथम याद रखना है प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सारा वीवीआई क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से जरूर याद कर लें, MTS के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि किस एक्ट के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। याद रखना है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है कि कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। ठीक है, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, रास बिहारी बोस ने। भारत का विभाजन जब हुआ तो वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखना है कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी, 31 दिसंबर 1929 को। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, 1942 में। ये आप सारा यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपके लिए चूज किया है। उसके बाद है सर्वप्रथम मुसलमान के लिए पृथक राज्य का सुझाव किसने दिया था,
शायर इकबाल ने। उसके बाद है मोपला विद्रोह, ये कब हुआ था, 1921 में। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड लैंस डाउन के काल में। विश्व भारती की स्थापना कब और किसने की, तो 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी विश्व भारती की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे, सी जी हिल्टन। याद रखना है सी जी हिल्टन ने भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई थी। उसके बाद है भवानी मंदिर का, भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो वरेंद्र कुमार घोष ने। ठीक है, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ, 1854 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 1857 के संग्राम में भारत का बादशाह किसे घोषित किया गया, तो बहादुर शाह जफर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन है, एडवर्ड लुटियंस। ठीक है, दिल्ली में जो केंद्रीय सचिवालय है उसको किसने बनाया, एडवर्ड लुटियंस ने बनाया। भूदान आंदोलन ये किसने चलाया था, विनोबा भावे ने। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। शक संवत याद रखना है किसके शासनकाल में चलाया गया था, तो कनिक्स के शासनकाल में जो है शक संवत चलाया गया था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने। सर्वप्रथम किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को, और कब मिला था इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप जरूर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे, तो रामकृष्ण पिल्ले स्वदेश वाहिनी के ये संपादक थे। चलिए नेक्स्ट लास्ट दो क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन ऑन रोस्ट का लेखक कौन है, तो वेल टाइम सीरोल जो थे इंडियन ऑन रोस्ट के लेखक थे। और लास्ट क्वेश्चन है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, तो लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने याद रखना है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। यहाँ पे देखिए मैंने लगभग 100+ क्वेश्चंस को बताया, अभी और भी बहुत सारा मैं क्वेश्चंस बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उसे आप जरूर से जरूर देखें। और सारा क्वेश्चंस याद रखना है, आपके आने वाले MTS एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप नेक्स्ट वीडियो का जरूर देखें। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।